राजस्थान के कोटा के व्यस्ततम गुमानपुरा बाजार में स्थित संतोष बेकरी में गुरुवार को भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बिल्डिंग में ऊपरी फ्लोर पर मौजूद निजी बिजली कंपनी के KEDL के ऑफिस को भी चपेट में ले लिया। आग लगने पर गुमानपुर बाजार में हड़कंप मच गया और आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर एक के बाद एक लगभग एक दर्जन दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुटी रही। वहीं शहर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत, DSP अंकित जैन सहित पुलिस का जाप्ता भी मौके पर पहुंचा। आग इतनी भीषण और विकराल थी कि आग की लपटें और आसमान में फैला धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा था। इस आगजनी में गुमानपुर थाना पुलिस के ASI धनराज गुर्जर ने अपनी जान पर खेलकर उस बिल्डिंग में फंसे एक व्यक्ति को सकुशल बचा लिया। मौके पर पहुंचे CT SP केसर सिंह शेखावत ने कहा कि बेकरी में संभव शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। फिलहाल दमकलें आग बुझाने में जुटी हैं, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।